नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम टीवी में। मैं मुकेश सोनी छिंदवाड़ा से। आज 3 दिन के बाद सोमवार के दिन मंडी खुली है। हम जानेंगे गेहूं के बारे में यहां आए किसानों से। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद साहू है और मैं पैजनवाड़ा निवासी हूं। क्या लेकर आए थे आप? मैं गेहूं लेके आया हूं। कितना? 50 बोरा। बिक गया जी? कितना गया? 2652 रुपये का है। तो कैसा दाम मिला है? दाम अच्छा मिला है, क्वालिटी बिक रही है, क्वालिटी के हिसाब से दाम अच्छे हैं। 3 दिन के बाद मंडी खुली है, आवक थोड़ी कम नज़र आ रही, क्या वजह है? मौसम के कारण कम आवक है। अगर मौसम अच्छा होता तो आवक जम के रहती। 2 दिन के बाद आप आइएगा और आवक बढ़ जाएगी। आप तो मौसम का प्रभाव किसानों पे कितना है? नहीं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को मौसम से कोई लेना देना नहीं है। घानी मिश्री सब हो गई है, सुरक्षित रखा हुआ है। जब जैसे समय आएगा वो आके बेच लेंगे यहाँ पे। कितने परसेंट अभी घानी बाकी है? नहीं, कम्प्लीट हो गया है, कोई सब कम्प्लीट हो गया है, घानी कुछ भी नहीं बचा है। अभी आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है गेहूँ को लेकर? उम्मीद ऐसे मांग के ऊपर है, अगर मान लो कि बाहर जाता है माल तो दाम बढ़ भी सकते हैं। और अभी संतुष्ट है किसान, अभी क्वालिटी बिक रही है। 2300-2400 से लेके 2700-2800 तक बिक रहा है माल जी। तो अपने यहाँ पे, अपने यहाँ पे जो अभी माल आ रहा है जी, वो न्यूनतम दर कितनी जा रही है और अधिकतम कितनी? जी, न्यूनतम क्वालिटी के हिसाब से 2300 रुपये से लेकर 2700-2750 तक माल बिक रहा है, उच्च स्तर माल। सोसाइटी में क्यों नहीं दे रहे हैं? सोसाइटी में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ दाम कम है, इसलिए वो मार्केट रेट अच्छे हैं, इसलिए मंडी सब लोग आ रहे हैं। आवक कैसी है? आवक यहाँ ठीक है, अभी कम से कम 30,000 बोरे होंगे आज। ज़्यादा 50,000 माल। आप कहाँ से? जी, पालरी से। क्या लेके आए? गेहूँ। तो क्या रेट गया? 2310 रुपये। इतना कम क्यों? कम क्यों गया? थोड़ा माल मिट्टी थी इस कारण, पानी लगा हुआ, मौसम के कारण। मौसम के कारण। तो क्या कहते हैं आगे कैसा रहेगा गेहूं का दाम? अब आगे क्या बताएं सर, अपन आगे क्या हो रहा है? कभी एक उम्मीद, अब उम्मीद क्या बताएं सर, अपन बढ़ेगा गेहूं, कभी घटता नहीं, रेट आगे जाल चलते उसके पीछे नहीं हटते उसके। किसान भैया आप कहाँ से आए? मोखड़ से आए बाबू जी। अपन क्या लेके आए थे? गेहूँ लेके आए थे। कितना? वो होगा 50 कट्टे है। बिक गया? हाँ बिक गया। क्या रेट गया? वो बिका है 2385। कितना कम क्यों गया? क्या बता, वही माल पहले 2500 बिका था हमारा, अभी 15 दिन पहले लाए थे और अभी आज कम बिका। 3 दिन के बाद मंडी खुली, उसके बाद भी? हाँ क्या, हाँ उसके बाद क्या बता, अब लिवाल नहीं है लगता आज। व्यापारी भी कम है और लिबाल नहीं आने की। आने वाले समय, अब आने वाले समय में क्या बता सकते हैं अपन। उत्पादन कैसा है किसानों का? उत्पादन तो कम है, हमको पिछले साल हुआ था 150 कुंटल, इस साल 90 कुंटल गेहूँ हुआ है। क्यों? अब क्या बता, वो ऊपर बारिश की मार, बीच में ओला दृष्टि भी हो गई, पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार चुनाव में बिड़ी है। हाँ ना, तो यदि उत्पादन कम है तो रेट अच्छा मिलना चाहिए आपको। हाँ मिलना चाहिए, तो आगे चल के उम्मीद है कि 3000 हो जाएगा। हाँ भैया। जी सर, कहाँ से आए आप? मोखेड़ से। क्या रेट गया आपका? सर जी मेरा 2385 रुपये बिका है। तो दाम कैसा मिला? सर जी पिछली बार की अपेक्षा इस बार दाम कम मिला है। कम मिला क्या जी? सर जी बारिश के वजह से, सर जी ये तो एकदम से माल बाहर डलने की वजह से कुछ ऐसा रहा कि उनकी सेठ लोगों की इच्छा नहीं हो पाई है, तो उन्होंने बाहर का जो माल है वो सब 2300-2350 अच्छे माल 2400 रुपये तक बस। अच्छा, नमी थी जो? नहीं, माल वही था, माल सूखा था, लेकिन बाहर मंडी टपरे में जगह नहीं मिल पा रही थी अंदर में, इस वजह से बाहर डाले हम लोगों ने। सेठ लोगों का माल लगा अंदर। उत्पादन कैसा है किसानों के पास? उत्पादन मीडियम है सर जी, कम है इस बार। अभी गेहूँ गानी बाकी है? नहीं, ख़त्म होते आई है। खत्म जी? तो जब कम है तो क्या कहते हैं कि आने वाले समय में इसके दाम बढ़ेंगे? जी सर जी बढ़ेंगे, आने वाले समय में 3000 के पार बिकना चाहिए। 3000 के पार बिकना जी चाहिए। नाम आपका? जी सर जी मेरा नाम भानु साहू। अब हम जानते हैं यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी अनाज के संजय जैन जी से कि अभी क्या रेट चल रहा है गेहूँ का और आने वाले समय में क्या रेट रहेगा। जी बताइए, अभी सबसे कम बोली कितने की गई है? अभी क्या है संतोष भाई, बाज़ार जो है 2370-2380 न्यूनतम है जी,
और समझिए 2700 से 2750 अधिकतम है। अभी 3 दिन बाद मंडी खुली है, उसके बाद भी रेट ना कम कैसे? उसका कारण है कि क्वालिटी बिक रही है छिंदवाड़ा मंडी में। आज मंडी में 35 से 40 हज़ार कुंटल की अराइवल है, जो एकदम बढ़िया क्वालिटी है वो 2700 से 2750 जा रहा है, और जो मीडियम माल है वो 2500 से 2750 जा रहा है, और जो लस्टर क्वालिटी है जो पानी में लगा हुआ माल है वो 2370-80 से ऊपर में 2450 जा रहा है। मौसम का गेहूँ पर कोई असर पड़ा है? हाँ, मौसम का जो पानी में माल जो क्वालिटी बिगड़ गई है उसी के कारण माल थोड़ा कम रेट बिक रहा है। कब तक आने की उम्मीद है? और गेहूँ तो ये हमेशा आते रहेगा, क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जो क्वांटिटी आज 30-35-40 हज़ार कुंटल की है, ये 25 हज़ार हो जाएगी, समझो कि 8वें-9वें महीने में 8-10 हज़ार कुंटल की अराइवल रहेगी, तो ऐसा अराइवल बना रहेगा। और क्या है पिछली साल की अपेक्षा इस साल की तुलना में उत्पादन के बारे में क्या? पिछली साल की अपेक्षा उत्पादन इस साल ठीक रहा है, कोई ऐसा बहुत रेशो में नीचे नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लगभग बराबर है। क्या कहते हैं किसानों को आने वाले समय में इसमें और अच्छा दाम मिलने की उम्मीद है? इस साल लोगों की मानसिकता तो है कि बाज़ार एक बार 3000 हो जाएगा, ये मंडी 3000 बिकेगी, लोगों की ऐसी मानसिकता है। और हम लोगों को भी लग रहा है कि बाज़ार ये गवर्नमेंट की परचेज एक बार बंद हो जाए, उसके बाद हो सकता है शायद बाज़ार में कुछ सुधार हो। अच्छे माल की डिमांड बनी रहेगी हमेशा, जो माल 2600-2700 बिक रहा है वो माल की पानी में ओलावृष्टि में जो माल ख़राब हुआ है तो उसके कारण वो माल की शार्टेज बनी हुई है, तो वो क्वालिटी एक बार 3000 मंडी छिंदवाड़ा हो जाएगी, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आने वाले समय में गेहूं के दाम बढ़ने की उम्मीद है, ऐसा किसानों का कहना है। मौसम की मार से उत्पादन कम हुआ है। मैं मुकेश सोनी, मार्केट टाइम टीवी छिंदवाड़ा से।